दोस्तों सभी को जय श्री राम। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बेंगलोर से थोड़ा आउटसाइड आ गया हूँ। मैंने BMW का सब सामान परचेस कर लिया और उसे पार्सल करवा दिया हूँ कुरियर। वो रायपुर पहुँचेगा तब तक मैं तिरुपति बालाजी में दर्शन कर लेता हूँ। तो अभी मैं दोस्त के यहाँ से अपना पूरा सामान निकाल करके गाड़ी में पैक करके ये तिरुपति के लिए निकल पड़ा। शाम के 5 बज रहे हैं अभी और आउटर में आ गया हूँ बेंगलोर से। तिरुपति पहुँचते लगभग 9-10 तो बज ही जाएगा क्योंकि 240 किलोमीटर है। नाइट हो जाएगा, वहाँ जाके होटल में रूम ले लूँगा और नाइट बढ़िया अपना आराम करूँगा, फिर कल मॉर्निंग में दर्शन के लिए जाऊँगा। बहुत ही अच्छा सफ़र कटा है, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, किसी प्रकार भी कोई परेशानी नहीं हुई। The next day. जी सुबह मैं उठ करके बाहर होटल रूम से अभी 8 बज रहे हैं आया हूँ और चाय पानी कर लिया और वो एक मंदिर नज़र आया मुझे। ये रहा होटल जिसमें मैं ठहरा हूँ, इसमें भी पार्किंग बहुत बढ़िया मिला मुझे। मैं ख़ास करके अपने साथ साथ अपने बाइक का भी विशेष ध्यान रखता हूँ ताकि उसको भी एक सेफ़ जगह मिले, ताकि लोग किसी प्रकार से कुछ नुकसान ना पहुँचाए मेरे बाइक को। तो ये सुरक्षित जगह है और मुझे 4th फ्लोर में 5वें माले पे रूम मिला है। 3 दिन के लिए रूम लिया हूँ 3000 में, लिफ्ट फैसिलिटी है। और अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं, अब ऊपर जाता हूँ, अपना राइडिंग गियर वगैरह पहनता हूँ, नहाने का सब तैयार हो चुका हूँ मैं, सिर्फ कपड़े चेंज करना है। और तैयार होकर के बालाजी मंदिर तिरुमला, जो कि यहाँ से लगभग 22-24 किलोमीटर है, पहाड़ी पर है और पता नहीं कैसा कैसा प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि चेक पोस्ट है, पुलिस वाले रोक टोक भी कर सकते हैं और बाहर की गाड़ी है। देखते हैं, फर्स्ट टाइम आना हुआ है मेरा बाइक से, इतना लंबा जर्नी फर्स्ट टाइम हुआ है। सामने मंदिर है होटल के नज़दीक में ही, ये रेलवे स्टेशन के बहुत ही नज़दीक में है होटल, वॉकिंग डिस्टेंस में। और ये नीचे देखिए कितना 5वें माले से नज़र आ रहा है। रूम मेरा ठीक है, सही है रूम, सिंगल पर्सन के हिसाब से 1000 रुपये पर डे लगा। अटैच लेट बात है, गर्म पानी है और कोई परेशानी नहीं है। और फटाफट राइडिंग गियर पहन के नीचे जाना है और मंदिर के लिए निकलना है। चूँकि मैंने फ्री पास वगैरह भी नहीं लिया क्योंकि रात को 3 बजे फ्री पास की लाइन लगती है, तो ना मैंने फ्री पास लिया हूँ, ना ऑनलाइन बुकिंग किया हूँ, ना ही पेड पास लिया हूँ। अब देखते हैं, तिरुमला जाते हैं, पहुँचते हैं। तो ये रहा, नीचे आ गया हूँ, अब गाड़ी उठा लिया और ये स्टाफ, होटल स्टाफ सब लोग आ करके देख रहे हैं बड़े आश्चर्य से, क्योंकि मेरा राइडिंग गियर कुछ लुक अलग ही डिफरेंट टाइप का लगता है, क्योंकि खास करके हेलमेट की वजह से एक रोबोट स्टाइल में लगता है। तो सब लोग देखने के लिए रुक जाते हैं, ऊपर से हेलमेट के ऊपर में अपना GoPro लगा हुआ है। तो बस अब सारी तैयारी हो गई, अब बाहर निकलना है। ये रहा सामने विष्णु निवास, जहाँ पे फ्री पास रात को 3 बजे मिलता है, फ्री पास, पेड पास। और रूम बुकिंग करना चाहें तो ये भी विष्णु निवास में ही रूम बुक होगा, ट्रस्ट का। और ये मैं आ गया थोड़ा सिटी के सेंटर में और ये यहाँ पर रेड सिग्नल की वजह से सब रुके हुए हैं। तिरुमला मुझे जाना है जो कि 22-24 किलोमीटर है और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं करीब। एक आध घंटा तो मुझे ऊपर पहाड़ी पे पहुँचते लग जाएगा, फिर उसके बाद दर्शन का देखते हैं कैसा क्या होता है। यहाँ का फेमस डिश है इडली डोसा सांभर बड़ा। ये देखिए, मुझे एक फ्रेंड समझिए, इन्होंने मुझे रोक लिया और नारियल पानी ऑफर किए, बहुत ही अच्छा नेचर है इनका, बातों बातों में फ्रेंड बन गए समझिए। और ये ई नायडू, जैसे हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ MP में दैनिक भास्कर, वैसे वहाँ का ई नायडू न्यूज़पेपर फेमस पेपर है,
जो तेलुगु भाषा में छपता है। तो प्रेस रिपोर्टर मिल गए और मेरा कुछ पिक्स ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। अब पता नहीं, देखते हैं कल छापेंगे शायद, ऐसा बोल तो रहे हैं। और काफ़ी भीड़ भाड़ लग जाता है लोगों का, कुछ पता नहीं ऐसा क्या लुक नज़र आता है लोगों को। ये देखिए गाड़ी रोक रोक करके देख रहे हैं लोग आने जाने वाले। मैंने तो खैर कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी इस टाइप का लोग मुझसे बातें करेंगे, रोक रोक के सेल्फी लेंगे, फ़ोटो लेंगे। सब साई कृपा से ये सब संभव हो रहा है। और आज तो फर्स्ट टाइम ऐसा स्थिति हुआ कि प्रेस रिपोर्टर फ़ोटो ले रहे हैं बीच रोड में, मार्केट में। हालांकि मीडिया वाले मुझे पहले भी मिल चुके हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर के पास बिलासपुर वहाँ पे मिले, रायपुर में भी मिले हैं। उन्होंने भी बोले थे कि इंटरव्यू वगैरह देना करके, लेकिन फ़िलहाल अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम। और अब तो 10:30 बजने आ गया है। और अभी बालाजी मंदिर जाना है। ये देखिए सामने कितने लोगों को हटाया गया, पीछे में भी मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। सब आने जाने वाले रुक रुक के देख रहे हैं। और सुनने में आया कि बालाजी मंदिर अगर दर्शन के लिए जाना हो तो पहले से ही फ्री पास या ऑनलाइन पास या पेड पास ज़रूर ले लें, अन्यथा एक दिन, डेढ़ दिन, दो दिन का समय लगता है दर्शन के लिए। अब मैं तो बस उनके ऊपर भरोसा है, जो होगा देखा जाएगा, भले 10 घंटा लगे, 15 घंटा लगे, दर्शन करके आना है, मतलब आना है। तो अब हम चलते हैं, फोटोग्राफर अभी भी अपना फ़ोटो ले ही रहे हैं। चलते हैं हम बालाजी मंदिर की ओर। अब वही है मन में डाउट, थोड़ा सा चेक पोस्ट है जो गेट बना हुआ है बालाजी का, मेन गेट पहाड़ी में नीचे में यहीं पर, उसमें देखते हैं। वहाँ से एंट्री मिल गया तब कोई टेंशन नहीं है। क्या कैमरा वगैरह लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग का भी चांस कम होता है, कहीं पर तो अलाउड करते हैं, कहीं पर मना कर देते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में बंद करना पड़ सकता है। और मेरे पास तो किसी प्रकार का भी कोई पास नहीं है। अब देखेंगे, जाते हैं पहले पहाड़ी पर तो चढ़ें, फिर दर्शन का जैसा स्थिति होगा देखा जाएगा। बाकी पूरा सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा कटा, इतना लंबा सफ़र, अभी तक के लगभग मैं 5,300 किलोमीटर आ चुका हूँ। रायपुर यहाँ से 1200 किलोमीटर बचा हुआ है, तो रायपुर तो खैर मैं परसों निकलूँगा, 23 तारीख को निकलूँगा, आज है 21 दिसंबर। और ये मैं उस चौराहे पर आ गया हूँ, यहीं पर चेक पोस्ट वगैरह बना है, मेन गेट बना है, जहाँ से तिरुमला जाने का रास्ता है, गेट लगा हुआ है, गेट बना हुआ है, इस गेट पर एंट्री करना है। और सामने ही मुझे पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं। अब पता नहीं, देखते हैं, जाने देंगे कि रोकेंगे। जाने दे। ये देखो, देख लिए, इशारा कर दिए रुकने का। अब पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। 2000 years later। तो भाई उन्होंने कैमरा तो निकलवा दिया हेलमेट से। और ये मैं दर्शन करके 14 घंटे लगे मुझे, 11:30 बजे मेरा लाइन में एंट्री हो गया था और 12 बजे हाल में पहुंच गया था। 12 बजे से रात के 11 बजे तक हाल में ही बंद रहा, 11 बजे खोला गया, फिर लाइन में लगा तो 3 घंटे और लग गए। रात के 2 बज रहे हैं और ये बालाजी मंदिर के ठीक पीछे का गेट W4, वहाँ पर मैंने अपने रेम्बो राजा बाइक को पार्किंग करके गया था, जो यहाँ खड़ी है सेफ सुरक्षित। और वो रहा बालाजी मंदिर, वॉकिंग डिस्टेंस में है, बहुत ही नज़दीक है, W4 गेट नंबर है, सुरक्षित खड़ा है वह। और सब कुछ ठीक ठाक है, मैंने लड्डू प्रसाद वगैरह सब ले लिया। और अब अपने को नीचे चलना है,
अभी रात के 2 बज रहे हैं। अब ये क्या, मैं यहाँ पर आया, ये यहाँ भी एक चेक पोस्ट है, तो यहाँ पर भी पुलिस वालों ने रोक दिए। टू व्हीलर का जो एंट्री और एग्ज़िट टाइम है वो रात के 10 बजे बंद हो जाता है और सुबह 5 बजे तक बंद रहता है। अब मुझे 3 घंटा के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 5 बजे के पहले कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी 14 घंटे से थक गया। अब मैं आ गया अपने होटल रूम में और ये रिसेप्शन में खड़ा हूँ। और जो कल फोटो सेशन किया गया था फोटो प्रेस रिपोर्टर के द्वारा, वो ये न्यूज़पेपर ई नाइडू आज 22 दिसंबर 2023 है और रियल में उन्होंने छापा है। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, और ये देख सकते हैं तेलुगु भाषा में छपा हुआ है। पूरा डिटेल डाला हुआ है जो उन्होंने मुझसे पूछे थे, और जैसा वो समझे, जैसा मैं उनका लैंग्वेज समझ सका, क्योंकि यहाँ थोड़ा हिंदी कम चलता है। ये होटल का रिसेप्शन है। बालाजी की कृपा, साईं कृपा से ये फोटो आया। मेरे को अपने आप में आश्चर्य लग रहा है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय साईं राम।